वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव दीजिए। हुआ ये है कि रिसेंटली हमारी जो पाकिस्तान की बड़ी मारूफ मकबूल आलमी शोहरत याफ्ता माहिरा खान है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें कि इंटरव्यू में उन्होंने पहले उनकी दो बेसिकली स्टेटमेंट्स आई उसी इंटरव्यू में, और इंटरव्यू के बाद फिर एक और स्टेटमेंट आई, वो तीसरी स्टेटमेंट के बारे में भी बताती हूँ। अच्छा, ये इंटरव्यू दिया उन्होंने किसको था? ये उन्होंने दिया था अनुपमा चोपड़ा को। बिल्कुल, अनुपमा चोपड़ा जो है वो भारत की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसकी सबसे बड़ी जर्नलिस्ट, बिल्कुल बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है। तो माहिरा ने उनके सवाल पर या सवाल जो भी गुफ्तगू हो रही थी उसमें माहिरा ने कहा कि मुझे काफी ऑफर्स आईं इंडिया से काम की, मूवीज की, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जब वो रईस फिल्म कर रही थी बिल्कुल, तो उस वक्त जो है वो बड़ा उनकी तरफ जो है वो ऑफर्स आ रही थी बिल्कुल, तो मुझे काफी ऑफर्स आईं और मैं करना भी चाहती थी, लेकिन मैं ऑनेस्टली ये बात कन्फेस करूंगी कि मैं डर गई थी क्योंकि वहां पर जिस किस्म का माहौल था, पाकिस्तानियों के खिलाफ जिस किस्म की नफरत थी, तो माहिरा डर गई, एक तो ये कन्फेशन था उनका। उसके बाद माहिरा ने कहा कि लेकिन फिर बाद में मैंने ये सोचा कि भाई ऐसा तो हो सकता कि आप अपनी चॉइसेस किसी के डर खौफ से जो है वो मेक करें, तो लेट्स नॉट फॉरगेट कि भाई सब फ्री हैं और मैं जो चाहूं कर सकती हूं। तो फिर मैंने खुद को कहा कि नहीं यार, ये नहीं हो सकता कि कोई और मुझे डिक्टेट कर रहा हो और किसी और के डर की वजह से मैं काम ना करूं। तो फिर मैंने खुद को अपना ये फैसला बदला और मैं काम करने में बड़ी इंटरेस्टेड रही हूं और अब भी वो काम करने में वही कहती है कि होप कि भाई फ्यूचर कोलैबोरेशंस होनी चाहिए। बिल्कुल, और होनी भी चाहिए। अब ये चीज सिर्फ पाकिस्तानी समझते हैं, हिंदुस्तानियों को समझ नहीं आती, और हिंदुस्तानियों में सारों की बात मैं नहीं कर रही, बहुत से सेन लोग दिमाग में जिनके कारामद मवाद मौजूद है उनकी बात नहीं बराबर, मैं यही कहना चाह रही थी लेकिन फिर मैंने कहा जरा सॉफ्ट हो जाऊं, फिर नाजरीन को बुरा भी बहुत लग जाता है। लेकिन यह है कि अब बताती हूँ तीसरी जो स्टेटमेंट थी जो ज्यादा परेशान कुन है, वो है जी राज ठाकरे का जो राइट विंग है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उन्होंने इशू की है स्टेटमेंट और उन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी आओ तो सही ना, कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आके काम नहीं कर सकता, ये हमारे दुश्मन है, ये स्टेटमेंट उनकी आई है। और इधर इनकी किसी किस्म की डुअल पॉलिसी नहीं है, जहां पर उन्होंने हमें दुश्मन माना हुआ था 1947 से आज तक हम उनके दुश्मन ही हैं, चाहे हम उनको ऑक्सीजन ऑफर कर दें, चाहे हम उनको मदद ऑफर कर दें, चाहे हम उनके साथ किसी इंसानी जो भी इशूज हैं उस पर निगोसिएशन पर बैठ जाएं, चाहे हम जो मर्जी कर लें अच्छाई उनके साथ, उन्होंने ठानी हुई है कि उन्होंने हमारा दोस्त नहीं बनना। ये सिलसिला, अच्छा, ये जो नवनिर्माण सेना है, हाँ जी, ये बेसिकली राज ठाकरे साहब, ये बाल ठाकरे की लेगेसी को लेकर चल रहे हैं और इनकी बहुत सारी हरकतें हमारे सामने पहले भी आ चुकी हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो कि पाकिस्तानी फनकारों को जदोकोब करते रहे हैं, तशद्दुद करते रहे हैं, जो फनकार वहां पर गए हैं उनको डराया धमकाया गया है, मतलब मारा गया है, फिजिकली असॉल्ट किया गया है उनको। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस पर इनका हमेशा से एतराज रहा है, पाकिस्तान की टीम वहां पर क्रिकेट मैच खेलने जा रही थी, इन्होंने पिचें खोद दी थी जी स्टेडियम की, मैच नहीं होने देंगे। इस कदर ये एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है और भारत तो एक क्रेडिट मैं जरूर उनको दूंगी कि उनकी इस मामले में कोई ड्यूअल पॉलिसी नहीं है, लेकिन वेस्ट की दोबारा इधर भी ड्यूअल पॉलिसी है यहां पर उनकी भी ड्यूअल पॉलिसी है कि हिंदुस्तान वो नहीं है, वो जो होता है ना कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, उनके कत्ल भी किसी को नजर नहीं आते और हमारी आहें भी जो है लोगों को परेशान कर देती हैं। तो आजा शायरी की तरफ जो है, जब मैं जज्बाती हो जाती हूँ ना फिर मैं कुछ नहीं देखती। सही बात है, गुड, ये तो इस वक्त मुझे गुस्सा आया हुआ है, मतलब आप अंदाजा लगाएं माहिरा अगर वहां काम कर रही हैं या फवाद वहां काम कर रहे हैं तो हमें तो प्रॉफिट कम हो रहा है, हमारा अदाकार वहां जा रहा है उनका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। वो जो शाहरुख खान की भी फिल्म थी ना, हाँ, वो थी बड़ी, नहीं फिल्म तो चले कैसी भी हो लेकिन उसके पीछे भी मकसद था उसके, क्योंकि शाहरुख खान जो है उस वक्त जो है उनकी फिल्म्स पे दर पे फ्लॉप हो रही थी वो एक डिक्लाइन की सूरत डिक्लाइन की उस पर थे। अब उन्होंने कहा कि जी मार्केट कैप्चर करनी है, तो मार्केट कैप्चर करने के लिए पाकिस्तान की मार्केट जो है वैसे भी उनके पास है तो सही वो मार्केट, लेकिन उन्होंने कहा कि मजीद इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए जी हम माहिरा खान को बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं और उनको जो है वो अपनी फिल्म में कास्ट करते हैं। तो जब ये हुआ, खैर नतीजा जो उसका क्या खैर सही नहीं निकला, वो फिल्म जो है वो कोई इतना अच्छा कोई बिजनेस नहीं कर सकती थी कर सकी, लेकिन ये है कि जिस तरीके से बहुत रही माहिरा की ही वजह से आपने जो बात की ना, मुझे ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया को पता नहीं क्या सूझा पैंडेमिक के टाइम पे, ये बहकी बहकी बातें करने लगे, बात कर रहे हैं भारत में जो पाकिस्तानी कलाकारों काम करते थे, आपको भी पता है 2017 या उससे पहले काम करते थे, जिसके बाद आपको पता हुआ क्या, मुझे हिस्ट्री नहीं बतानी, जो भी उरी अटैक या पुलवामा ये सब हुआ उसके बाद ये सब चीज़ें बंद हो गई।
लेकिन इन पाकिस्तानियों को वो चीज़ें बिल्कुल भी याद नहीं है। इनको याद है कि भारत में पाकिस्तानी कलाकारों को काम करने नहीं दिया जाता। इन पाकिस्तानी मीडिया के बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए, किस तरीके की गधों जैसी बातें कर रहे हैं ये। और यहाँ तक कि इन्होंने ये तक बोल दिया कि जो माहिरा खान की वजह से वो रईस फिल्म में कुछ काम कर दिया, नहीं तो वो फिल्म वैसे भी फिनिश थी। हालाँकि फिल्म तो बिल्कुल घटिया थी, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं। और उसमें माहिरा खान, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माहिरा खान ऐसा लग रही थी कि वो औरत नहीं मर्द है, आप ध्यान से देखेंगे। हालांकि माहिरा खान बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छी दिखती भी हैं, 36 साल की उम्र में भी काफ़ी कहर धाटी हैं, उनका बच्चा भी है, एक शादी भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों का ओवर कॉन्फिडेंस देखकर तो मुझे हंसी आई। गाइज़, आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच जब से रिश्ते ख़राब हुए, पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम करने नहीं दिया, और भारत की फिल्में पाकिस्तान में पूरी तरह से बैन है, वहाँ पर लगी भी नहीं है। तो सिचुएशन ये है। तो ये पाकिस्तानी किस मुँह से किस तरीके की बातें कर रहे हैं, बेवकूफ़ों को खुद अकल है नहीं, ये कहाँ की बातें कर रहे हैं। हालाँकि यहाँ पर एक जो बात हुई है कि पाकिस्तानी कलाकार की वजह से इंडियन फिल्मों को मार्केट मिल जाता है, तो पाकिस्तान में तो वो मार्केट नहीं मिलता है, आपको ये भी बता दूँ, मिलता है तो ओवरसीज़ में। अगर करण जौहर या भट्ट कैंप किसी एक्टर्स पाकिस्तानी एक्टर को अपनी फिल्म में रोल देता है, छोटा मोटा भी देता है, तो उसकी वजह से दूसरी जगह में पाकिस्तानी फिल्में कलेक्शन कर लेती हैं, ये बात सच है, इसमें कोई दोराय नहीं है, कोई बुराई नहीं है, ये बात इन्होंने सच बोली। तो गाइज़, ये वीडियो पुराना नहीं है, ये अभी का वीडियो है। पाकिस्तानी मीडिया में इस तरीके की हरकतें हुई तो मैंने सोचा कि अपलोड किया जाए, आपको बताया जाए कि ये बेवकूफ़ अभी इनको क्या सूझा इस तरीके की बातें करने का, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तो गाइज़, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।